हेलो गाइस, आज करेंगे हम क्रीमी की एक ऐसी वीडियो शूट जिसे देखकर आप समझ जाओगे कि क्रीमी कितनी शरारती है। आज देखिए क्रीमी की होने वाली है डिनर पार्टी और जो खाना है इसके मन पसंदीदा है। कभी कभी इसको इसके मन पसंद का या ज़्यादा जिसका शौक है वो हम इसको देते हैं। तो आज इसका देखिए, इधर आइए, ये देखिए, यहाँ इसको आज हमने शाम को कुछ नहीं, शाम का 4 बजे से पहले 2 बजे का कुछ खाया हुआ है। ये पापड़ी दी है, देखिए गाइस, इसने 2 बजे का दोपहर का कुछ खाया है, 8 बज गए हैं। ये बिस्किट पड़ा जिसको ये इतने शौक से खाती है, दही का पैकेट, इधर आके देखिए आप इसका शरारतीपन। डेली दही खाती है, आज इसने दही बिखेर दिया, खाया नहीं। आप पूछेंगे इसकी वजह क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ आज इसकी वजह। ना जो मनपसंद, जो इसकी खूब अच्छी चीज है खाने वाली, जिसको देख के ये पागल हो पड़ती, वो इसने मेरे पास फ्रिज में देख ली। उसके बाद ये चीज देख ले, दही को पैर मार के बिखेर दिया और साथ में ना बिक्की खाए, ये नहीं खाएगी, ये खा लेगी, लेकिन जब तक इसको वो वाला खाना नहीं मिलेगा ये इन चीजों को छुएगी तक नहीं। 4 घंटे हो गए हैं, 2 बजे का खाया हुआ है, इतने में 2 बार ये खाना खा लेती है कुछ ना कुछ, लेकिन इसने स्नैक्स तक नहीं लिए। अब इसका आपका ड्रामा इसका होगा अब शुरू। देखिए अब देने लगी हूँ इसकी चॉइस वाली चीजें। गाइस अब तो छोड़ने लगी हूँ इसके खाने के पास, और वो खाना क्या है, ये देखिए ये इसने मुंह में डाल लिया। अब इसका ड्रामा देखिए, ये बैठ के कैसे खाती है। मिमी ये भी खा लो। गाइस आप देख रहे हो ये कहीं नहीं बैठ रही। अब इसका ड्रामा देखिए, ये देखिए बेटा यहां बैठ के खा लो, यहाँ खा लो, नहीं खाएगी। गाइस आप मानोगे ये कैसे खाएगी, ये देखिए अब मैं बताती हूँ आपको ये कैसे खाएगी। ये छोटा पैकेट बड़ा कमाता है, कहते हैं ये पूरे कंफर्टेबल कंफर्ट जोन में ये चीजें खाती है। अब इसको पता है कि इस रूम में एसी है और डिनर जो है इसके मनपसंद का है, तो क्यों ना पूरे चटकारे के साथ खाया जाए, क्योंकि ये इस चीज को मानती है। ये देखिए मुंह में डाल के कैसे घूम रही है। डेली मैं पिल्लो नीचे रखती हूँ, पिल्लो पे बैठ जाती है, खाओ वहां बैठ के खाओ। देखिए गाइस ये देखिए, आओ क्रीमी ऊपर चढ़ाऊ, आओ ऊपर, ऊपर खाना है, यहाँ बैठ के खाना है, आओ 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 यहाँ बैठ के खाना ना आपने। ये देखिए गाइस यहाँ आ गई। अगर आप 10 मिनट तक इसको ऊपर नहीं चढ़ाओगे तो ये रोना शुरू कर देगी, किसी तकिए पे किसी गद्दी पे नहीं नीचे बैठेगी। अब इसको तसल्ली हो गई, और ये मैंने चादर इसलिए बिछाई है क्योंकि बाद में ये चादर मैं धोने डाल दूंगी। ये इसकी ऐसी जिद है कि अगर कोई और बच्चा करे तो मैं कभी नहीं किसी की मानने वाली, लेकिन ये इसकी ऐसी जिद है। अब इसको तसल्ली है कि मेरी आंखों के सामने पड़ा है, भले ही इसने 2 बजे का कुछ खाया है, और ये अच्छी तरह जानती है कि ये जो है मैंने ही खाना है, किसी और ने नहीं। अब थोड़ा सा एसी चल रहा है, रूम कूल हो रहा है, तो इसलिए थोड़ी देर बैठी है, अभी शुरू हो जाएगी 2 मिनट में। ला बलशु खा लेगी, बलशु ले, ला बलशु को दे दो। देखिए गाइस थोड़ा सा इसको लिक कर रही है, चाट रही है, छोटा छोटा सा पीस निकाल के इसने खाया है। अब मैंने फैन ऑन कर दिया है, एसी ऑन है, अब यहाँ ये इसको पता है कि इतनी तसल्ली है कि ये मेरी खाने वाली चीज है और मैंने किसी को नहीं देनी। देखिए खा रही है, जो चीज इसको ऊपर बैठ के कंफर्टेबल जोन मिलना है वो नीचे नहीं मिलना, इसको इस चीज का पता है। ये 2 बजे का कुछ खाया, उसके बाद इसने पानी तक का नहीं पिया, जो भी सामान है इसका सारा इधर उधर कमरे में बिखरा हुआ है। देखिए गाइस फैन ऑन करा हुआ है, एसी ऑन करा हुआ है, ये मैडम आराम से बैठ के खा रही है, यानी कि आप इसको ये कह सकते हो कि छोटा पैकेट बड़ा दिमाग का। इसका यही काम है,
कि चिकन कभी भी इसको मिलता है तो ये पूरे अपने बेड के ऊपर बैठ के खाती है। अगर मैं इसको सोफे पे भी दूंगी तो ये नहीं खाएगी, क्योंकि उस रूम में एसी नहीं है, तो बैठ जाएगी लेकिन खाएगी नहीं। जैसे ही इस बेड पर चादर बिछाई, ये समझ गई कि अब ये मेरा अरेंजमेंट हो रहा है, तो इसलिए फट से ऊपर आ गई। नहीं तो इसको कोई पकड़ के दिखाए तो पकड़ में आती नहीं है, बैठ के नीचे घुस जाती है। क्रिमि की डिनर पार्टी कैसी है? तेरे दिल का राज है कुकड़ू को, तेरी भूख का इलाज है कुकड़ू को। गाइस देखिए, ये इसका इलाज है, भूख का इलाज कुकड़ू को। आप क्या सोचती हो, वो दही नहीं खाएगी? अब जब ये खा लेगी आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद या 10 मिनट बाद उनको खा लेगी। ये एक इसकी जिद थी कि मैंने डिब्बे में देखा है वो, तो मुझे पहले दो। मैंने सोचा शाम को दूंगी, लेकिन नहीं। देखा, देखिए 3-4 घंटे से 2 बजे की भूखी है ये, लेकिन अब खाया है। मुझको इसको पता है कि मैंने अपनी जिद कैसे मनवानी है। अक्सर ये ऐसे करती है, जब कोई चीज़ खा लेती है, चिकन या एग, अंडा, तो उसके बाद इसकी यही होती है डिमांड कि अगले दिन मैंने ये नहीं खाना, वो ही दो। जिद मनवानी है तो कुछ क्रीमी से सीखे। देखिएगा ये डिनर मेरे बेटे के लिए है ना। तेरी भूख का इलाज है कुकड़ू को, तेरे दिल का राज है कुकड़ू को। देखिए गाइस, मनपसंद का खाना मिला है। अब जो खाना दोपहर से इवनिंग से वेस्ट पड़ा हुआ है, उसके बाद ये मैडम वो भी खाएगी। अगर इसकी ऐसी जिद है तो सिर्फ इसकी जिद यही पूरी होती है। अगर ये जिद कोई और करता तो शायद मैं बिल्कुल भी ना पूरी करती, लेकिन मुझे इसको अपनी जिद मनवानी आती है। इसको पता है कि मेरी मोम ऐसी है, थोड़ी देर बाद नरम हो जाती है और मेरा कहना मान लेती है। ये छोटा क्यूट सा जो बेबी है ना, नाम चाहे इसका क्रीमी है, पर मैंने इसको कई नामों से पुकारती हूँ, बेबी, एंजल, बुब्बू, लड्डू, कई नाम प्यार से रखे हुए हैं। तो आपको क्रीमी का ये छोटी सी वीडियो व्लॉग कैसा लगा? मैं क्रीमी की अक्सर ऐसी वीडियो डालती रहूँगी, शरारती की, नोटी की। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी, नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबाना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन पर। चलो अभी तक इतना ही, बाय बोल दो, बाय बाय।